मम्मा वो पेंडू सा है, मैंने उसे शादी नहीं करनी, अफशां अपनी माँ से कह रही थी। माँ ने प्यार से कहा, बेटी वो तुम्हारा कजिन है, अच्छा लड़का है, क्यों शादी नहीं करनी उससे? मम्मा वो पेंडू सा है, ना उसे कपड़े पहनने की तमीज है, ना उसे बात करने की तमीज है, मैं उसके साथ शादी नहीं करूंगी। अफशां शादी तो करनी पड़ेगी, तुम राजी हो या ना हो। अफशां ने अपने कजन सारिम को कॉल की। सारिम, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तुम शादी से इनकार कर दो। सारिम ने कहा, मैं माँ बाप की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर नहीं रह सकती। ठीक है, तुम खुद इनकार कर दो फिर, मैं तो कुछ नहीं कहने वाला। अफशां ने जब देखा उसकी शादी सारिम से कर रहे हैं, उसने खुदकशी करने के लिए घर में पड़ी काफी सारी दवाइयां खा ली, अस्पताल ले गए, डॉक्टर्स ने मेदा वॉश किया, जान बच गई। अफशां ने अपनी माँ के सामने हाथ जोड़े, मामा मुझ पे रहम करो, मैं उस जाहिल इंसान के साथ नहीं रह सकती, वो भी गांव में। माँ ने कहा, बेटी सोच लो, हम सब जानते हैं सारिम बहुत अच्छा लड़का है, क्या हुआ जो वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो गांव में रहता है तो, लेकिन वो लड़का अच्छा है। अफशां के ना चाहते हुए भी उसकी शादी सारिम से करवा दी गई। अफशां ने बस समझ लिया कि अब जिंदगी बर्बाद हो गई, सारे ख्वाब खत्म हो गए, सब खुशियां जला दी गई हैं, सब कुछ एक जाहिल इंसान के हवाले हो गया। पहली रात थी, अफशां ने सारिम को कहा, सारिम तो मुझसे शादी करना चाहते थे, शादी हो गई है, लेकिन मुझसे दूर रहो। सारिम मुस्कुराते हुए कहने लगा, ठीक है अफशां, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? अफशां गुस्से से बोली, तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है सारिम। सारिम ने एक डिबिया खोली, उसमें चमकती हुई अंगूठी थी, उसने वो डिबिया अफशां के सामने रखी और कहने लगा, अफशां ये गिफ्ट आपके लिए। अफशां ने अंगूठी उठाकर साइड पर रख दी और करवट बदल कर लेट गई, रोने लगी। सारिम नवाफिल अदा करने लगा, फिर अफशां के पास लेट गया। न्यू जिंदगी का सफर शुरू हुआ। अफशां का दम घुटने लगा सारिम के साथ। सारिम देखने में खूबसूरत था, बस ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, डिसेंट सा भी नहीं था। अफशां मॉडर्न सी लड़की थी। सारिम सुबह उठते ही अफशां का माथा चूमता, फिर खुद नाश्ता बनाता। अफशां को गुस्सा आता, ये बंदा मुझे इंप्रेस करने के चक्रों में है। अफशां जब सारिम के हाथ का बना खाना खाती, बहुत हैरान होती, इतना मजे का खाना। सारिम रात को थका हारा आता, अफशां बस खामोश सी अपनी दुनिया में गुम सी रहती। उसको कोई परवाह नहीं थी सारिम की। सारिम भी अफशां को कुछ ना कहता था, घर आकर खाना बनाता, अफशां को खाना देता। अफशां पत्थर दिल थी शायद, ना घर की सफाई करती, ना वो सारिम के कपड़े धोती। सारिम अपने काम खुद करता। साल गुजर गया, सारिम अफशां की हर बेरुखी चूम कर बर्दाश्त करता। अफशां को यूं लगता था, एक बदू सा इंसान पल्ले पड़ गया है। सारिम चौंके एक मर्द था, वो औरत पे हाथ उठाना मर्द की शान के खिलाफ समझता था, फिर उस पे हाथ उठाना जो हम सफर हो। सारिम ने एक दिन कहा, अफशां तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती पागल, देखो रंग कितना धीमा पड़ गया है तुम्हारा, तुम्हारे बाल देखो कितने रूखे से हो गए। सारिम अफशां के पास बैठ गया। एक साल के बाद सारिम ने यूं अफशां को छुआ था।
अफशां के बालों में ऑयल लगाने लगा। वो बोली, छोड़ दो मुझे सारम, नहीं छोड़ूंगा। अफशां ने धक्का दिया, ऑयल सारम के ऊपर गिर गया। अफशां जाने लगी उठकर, सारम ने बाजू पकड़ा, पास बिठा लिया, मुस्कुराते हुए कहने लगा, अफशां मैं यूं ऐसे आपको नहीं देख सकता, मेरा बाजू छोड़ो सारम, मुझे दर्द हो रहा है। सारम ने पास बिठाया, अफशां के सर में ऑयल लगाना शुरू किया। सर में ऑयल लगाया, फिर चेहरे पे स्क्रब करने लगा। अफशां खामोश बैठी। सारम ने मुस्कुराते हुए कहा, चुड़ैल जाओ अब, शावर लेकर आओ और पिंक ड्रेस पहनो, मैं तुम्हारी फेवरेट बिरयानी तैयार करता हूं। अफशां हैरान थी, इतनी बेरुखी पे भी इतना प्यार करता है सारम। अफशां शावर लेकर आई, आज चेहरे पे अजीब सी चमक थी। अफशां ने अपनी दोस्त को कॉल की, यार सारम ने ऐसे किया मेरे साथ। उसकी दोस्त ने कहा, सारम अच्छा इंसान है, उसकी कदर करो। अफशां बोली, वो मुझे इंप्रेस कर रहा है। उसकी दोस्त ने कहा, अफशां किस्मत वालों को ऐसे मर्द, ऐसे हमसफर मिलते हैं। इतने में सारम ने आवाज लगाई, जा पना, खाना तैयार है, आ जाओ। अफशां मुस्कुराने लगे, आज बिरयानी से मजे की खुशबू आ रही थी। अफशां ने खाना शुरू किया, इतने मजे की बिरयानी थी, उसका दिल चाहा तारीफ करे सारम की, लेकिन खामोश रही। खाना खाया, कमरे में सोने चली गई। सारम ने बर्तन उठाए, वॉश करने लगा। बर्तन वॉश करके सारा दिन का थका हारा बेड पे पड़ा सो गया। सुबह उठा, अफशां को उठाया और बोला, अफशां मेरी जान, नाश्ता तैयार कर दिया है, कर लेना, मैं जा रहा हूं। और हाँ, आज तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आऊंगा। रात को सारम घर आया, हाथ में एक गुलाब का फूल था। अफशां गार्डन में कुर्सी पे बैठी थी, हल्की सी हवा चल रही थी, शाम का वक्त था, हल्की सी रोशनी थी। सारम घुटने के बल बैठ गया, गुलाब का फूल अफशां को दिया, मुस्कुराते हुए कहने लगा, हैप्पी बर्थडे अफशां। अफशां चौंक कर बोली, तुमको कैसे याद है मेरा आज बर्थडे है, हम सफर हूं आपका अफशां। पेपर्स निकाले एक लिफाफे से, अफशां का हाथ पकड़कर कहने लगा, जानती हो ये पेपर्स किस चीज के हैं। अफशां का दिल धड़कने लगा, क्या है ये सारम, ये हम दोनों की खुशी है अफशां, बताओ सारम ये क्या है। वो प्यार भरे लहजे में बोला, ये हमारे नए घर के पेपर्स हैं, मैंने नया घर लिया है और तुम्हारे नाम किया है। अफशां को यकीन नहीं हो रहा था। अफशां ने देखा, नया घर, वो भी मेरे नाम। अफशां कुर्सी पे बैठ गई, आंखों में आंसू आ गए, सारम इतनी मोहब्बत। सारम की आंख से पहली बार आंसू छलका था। सारम ने कांपती हुई आवाज में कहा, अफशां एक चीज मांगू। अफशां ने हां में सर हिला दिया, अफशां हमेशा खुश रहना, जानती हो तुम परी सी हो, मासूम सी, बहुत प्यारी हो तुम, मैं बहुत खुश नसीब हूं तुम जैसी हमसफर मिली मुझे। अफशां हमारी शादी को 2 साल गुजर गए, लेकिन हमने कभी एक दूसरे को सीने से नहीं लगाया। मुझे आज सीने से लगा लो ना। अफशां ने ना चाहते हुए आज सारम को सीने से लगा लिया। सारम जोर से सीने से लगा, रोते हुए कहने लगा, ये बाहें क्या पता फिर नसीब हो ना हो।
इतना कहकर सारिम कमरे में चला गया। अफशां को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो सारिम को क्या समझती रही, सारिम कितना अच्छा इंसान है, कितना बुरा सलूक किया मैंने सारिम के साथ। अफशां का दिल चाह रहा था कि सारिम की बाहों में समा जाए, सारिम की बेपनाह मोहब्बत। 2 साल में सारिम को इग्नोर करती रही, सारिम फिर भी मुझे चाहता रहा। रात भर अफशां ख्वाब देखती रही, कल सारिम के लिए नाश्ता खुद बनाऊंगी, सारिम को अब दुनिया की हर खुशी दूंगी, सारिम को अब कभी उदास ना होने दूंगी। रात बीत गई, अफशां उठी, नाश्ता तैयार किया, बहुत खुश थी, शावर लिया, सारिम के उठने का इंतजार करने लगी। काफी टाइम गुजर गया, सारिम ना उठा। अफशां कमरे में गई, मोहब्बत से आवाज देने लगी, सारिम उठ जाए, मैंने आज आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। सारिम करवट लिए सो रहा था। अफशां ने मोहब्बत से सारिम को छुआ, देखा सारिम का जिस्म ठंडा पड़ चुका है। अफशां ने आगे बढ़कर देखा, सारिम के बिस्तर पे खून पड़ा था, मुंह पे खून लगा हुआ था। अफशां चीखने लगी, जोर जोर से आवाजें देने लगी, सारिम उठ जाओ, ये क्या हुआ है आपको, सारिम उठो ना। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, अस्पताल ले गए, डॉक्टर ने चेक किया और बोला, मैंने कहा था इसे, अपना ख्याल रखो, अपना इलाज करवाओ, किसी को साथ लेकर आओ। लेकिन शायद ये जीना नहीं चाहता था। अफशां ने रोते हुए कहा, क्या था सारिम को। डॉक्टर ने एक आह भरी और कहने लगा, सारिम को पिछले 1.5 साल से ब्लड कैंसर था, शायद उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। मुझे अक्सर कहता था, डॉक्टर साहब मैं किसके लिए जीऊं, कोई है ही नहीं जो मुझे अपना कह सके, मेरे घर में मेरा इंतजार करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है जो मुझसे मोहब्बत से पूछे दिन कैसा गुजरा, कोई नहीं है जो मुझे कहे आप थक गए हैं चलो सर दबा दो। रात को कमरे में अकेला दर्द से तड़पता हूं, लेकिन कोई नहीं है जो मेरा दर्द समझे। अफशां जमीन पे गिर गई, सारिम ये क्या कर दिया तुमने, सारिम मुझे माफ कर दो, सारिम मैं पागल हो गई थी, सारिम ना जाओ मुझे छोड़कर, सारिम मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। सारिम की लाश सामने पड़ी थी, जो जिंदगी में अफशां की मोहब्बत को तरसता रहा। अफशां सारिम के चेहरे को हाथों में लिए चीख चीख कर रो रही थी, लेकिन शायद अब मोहब्बत का वक्त खत्म हो चुका था। सारिम हमेशा के लिए आजाद कर गया था अफशां को। दोस्तों, किसी के जज्बात से मत खेलो, किसी को इतना ना सताओ कि वो मर जाए। अपने हम सफर को सीने से लगाकर एक दूसरे को गाली देने की बजाय एक दूसरे को चूम लो। अना में मोहब्बत के लम्हों को ना जला देना, छोटी सी जिंदगी है, ना जाने कब बिछड़ जाए, कब मौत आ घेरे। मोहब्बत बांटते रहो, किसी के मरने के बाद पछतावे से अच्छा है किसी को जिंदगी में ही सीने से लगा लो।